राव विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी मधु वर्मा के केंद्रीय चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित कई बड़े नेता एक मंच पर एकजुट हुए। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने भाजपा कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करते हुए राव के मधु की जीत की गारंटी ली। देखिए रिपोर्ट। राव में एकजुट हुए बीजेपी के दिग्गज, मधु वर्मा की जीत का लिया संकल्प। केंद्रीय चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में दिखा कार्यकर्ताओं का जोश। कैलाश विजयवर्गीय ने ली मधु वर्मा की जीत की गारंटी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने जीतू पटवारी को बताया पॉलिटिकल एक्टर। जीतू पटवारी को जीतू जिराती ने घोषित किया पूर्व विधायक। इंदौर की हॉट सीट राव में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी की राहें मुश्किल करने के लिए भाजपा के दिग्गज नेता एकजुट होकर एक मंच पर उतर आए हैं। मौका था भोलाराम उस्ताद मार्ग पर बीजेपी प्रत्याशी मधु वर्मा के केंद्रीय चुनाव कार्यालय के उद्घाटन का। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, मंत्री तुलसी सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, कृष्ण मुरारी मोघे, बाबू सिंह रघुवंशी, आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा मौजूद रहे। इस दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अनूठे अंदाज में भाषण देकर कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी को पॉलिटिकल एक्टर बताते हुए कहा कि फ्लॉप फिल्म सिर्फ दो बार चलती है, तीसरी बार नहीं चलती। राव की नैया है मधु भैया, और इसको गंगा पार ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है। किसकी है? आवाज भी वैसी निकलनी चाहिए, आज कार्यालय का उद्घाटन है। बोलिए भारत माता की, वंदे वंदे। कि भारतीय जनता पार्टी की राव विधानसभा में जीत तय है। केवल करना यह है कि हमको इस विधानसभा का जो पॉलिटिकल एक्टर है, पॉलिटिकल एक्टर मतलब भ्रम फैलाने वाला, नकली एक्टिंग करने वाला। मैं एक लाइव उदाहरण सुनाता हूं आपको भाई साहब। एक वार्ड की एक कॉलोनी में वो साइकिल लेके पहुंचे और साइकिल लेके खड़े हो गए और एक लड़का ऊपर छत पे घूम रहा था। उसको बुलाया, रहा यहां नीचे आ यार। वो नीचे आ गया, कहीं हाल धारा तू तो मिले नहीं यार, मार से कितना दिन हो गया, मिलियो नहीं। बॉडी वाड़ी थाने अच्छी बनाई ली, उसके कंधे पे हाथ वाथ रखा, फोटो वोटो खिंचवाया। तो आया कर यार, अपने को बहुत सारा काम करना है, मैंने इतना सारा काम कर दिया है। जितने महापौर जी ने, जितने मधु भैया ने, जितने पार्षदों ने काम किए, उस सब के नारियल फोड़ के उन्होंने बताया कि ये सब काम मैंने किए। उसने जाते टाइम बोला, भैया मैं तो यहां रहता ही नहीं हूं, भुआ जी के घर आया था। तो ये जो पॉलिटिकल एक्टर है ना, इस बार उनकी फिल्म जो है वो फ्लॉप है। और इसलिए फ्लॉप है कि कोई भी पिक्चर गलती से दो ही बार चल सकती है, तीसरी बार बिल्कुल नहीं चल सकती। इसके बाद पूर्व विधायक जीतू जिराती ने जीतू पटवारी को पूर्व विधायक घोषित करते हुए तंज कसा कि कांग्रेस के पास न विजन है, न रीजन, और न ही कांग्रेस का सीजन है, इसलिए मधु वर्मा की जीत तय है। कांग्रेस क्यों जीतेगी? अच्छा बताओ, कोई कारण है क्या कांग्रेस के जीतने का? बताइए, अपन अगर वहां देखें, देश में अगर कोई नेता है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दो नेता है, नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी की कोई तुलना हो सकती है क्या? बताइए, हो सकती है क्या? इधर अगर प्रदेश में देखो तो शिवराज सिंह चौहान जी, कैलाश विजयवर्गीय जी और इन सब नेताओं को देखते हुए उधर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की तुलना हो सकती है क्या? और हमारा भोला भ्याला और प्यारा और दिन रात मेहनत करने वाला मधु वर्मा और जीतू पटवारी की कोई तुलना हो सकती है क्या? जब हो नहीं सकती तो हमको पूरी ताकत के साथ, और वैसे भी पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में कांग्रेस को ठुकराते चल रहे। कांग्रेस का कोई इमेज नहीं, आप समझिए। कांग्रेस को कोई वोट दे दे, ऐसा कोई रीजन नहीं है क्या? कोई कारण है क्या कि कांग्रेस को वोट दे दे? और कांग्रेस को वोट इसलिए भी नहीं दे सकते क्योंकि उसके पास विजन नहीं है, उसके पास कोई दृष्टि है क्या? देश को आगे बढ़ाने की, समाज को आगे बढ़ाने की, विकास करने की इनके पास कोई विजन है क्या? इसलिए उनके पास ना तो रीजन है उनको वोट देने का, और ना उनके पास कोई रीजन है, और अभी कांग्रेस का सीजन भी नहीं है।
बताओ अच्छा कहीं जा जाते हैं वहाँ बेचारे खा के आते हैं मुंह के। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी ने भी राव विधानसभा में केंद्र सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए मधु वर्मा की जीत का दावा किया। मधुबिया का ध्यान है इस क्षेत्र में समस्या थी ब्रिज बनाने की। मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि एक राला मंडल में बहुत एक्सीडेंट होते हैं और राला मंडल के हमारे नेता बैठे हैं, यहाँ ब्रिज बनना चाहिए। और नितिन गडकरी जब इंदौर में आते हमने मांग की, उस समय उन्होंने राला मंडल की ब्रिज बनने की घोषणा की, या काम भी शुरू हो गया। मधुबिया ने बोला हमारा राव में ब्रिज जाम लगा रहता है। नितिन गडकरी जी इंदौर आए थे, हमने मांग की, उन्होंने बोला राव में भी ब्रिज बनेगा। तो जैसे जैसे मधुबिया बोलते जाते वैसे वैसे काम होते जा रहा है। अभी हाल ही में दो ब्रिज और शुरू हुए, एक ये आईटी पार्क, इसका भी भूमि पूजन हो गया, और एक रेती मंडी पे रेलवे और ब्रिज के बाद उसका भी भूमि पूजन हो गया। अब ब्रिज की चारों ब्रिज बनने को तैयार है, पर मधुबिया यहाँ भी नहीं रुके। वो बोले केसरबाग ब्रिज पे जो है ना, जो आरटीओ से आते हैं, यहाँ भी एक इधर का राव लगता है और उधर का चार नंबर लगता है, ये भी ब्रिज बनना चाहिए। और हाल में बता दो कि चुनाव आचार संहिता लगने के पहले रेल मंत्री जी ने वो भी ब्रिज स्वीकृत कर दिया, आने वाले समय वो भी ब्रिज बनेगा। तो विकास के लिए बहुत सारे आयाम है। अभी सर्विस रोड के लिए 100 करोड़ रुपए मिले, बहुत सारे विकास के काम यहाँ चल रहे हैं। ये आईटी पार्क जो बन रहा है, ये आईटी पार्क में 3 आईटी पार्क बिल्डिंग बन रही है। एक आईटी पार्क के लिए 100 करोड़ रुपए गति शक्ति से केंद्र सरकार से अभी मिले हैं, उसका भी भूमि पूजन मुख्यमंत्री जी ने किया। तो विकास की बात करें तो मधुबिया के साथ है। अंत में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भाजपा कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करते हुए कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमले करते हुए नजर आए। कैलाश ने कमलनाथ को सिख दंगों का सरगना बताते हुए कांग्रेस को आतंकवाद का समर्थक बताया। इतना ही नहीं, विजयवर्गीय ने आइटम शब्द का जिक्र करते हुए कमलनाथ और दिग्विजय को निशाने पर लिया। ये कमलनाथ जी पिछले चुनाव के वक्त महिला को बोले क्या आइटम है, क्यों भाई गलत बोल रहा हूँ, आप तो उस समय कांग्रेस में ही थे, खड़ा हो जरा बता सही बात। ये हमारा भाई उस समय कांग्रेस में ही था, आज बंटी साहू को बोल दिया, उनके सामने जो लड़ रहा है उसको बोल दिया। आज बोले कि छिंदवाड़ा के एक कार्यकर्ता को ही आइटम बोल दिया। अच्छा, पर उस समय महिला को बोला था कि नहीं बोला था? ये देखो, इमरती देवी को बोला था, बोला आइटम, महिला आइटम है। मैं एक किस्सा सुनाकर सिर्फ अपनी बात समाप्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा नारी का सम्मान किया, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात की है। अंत में जीतू पटवारी का नाम लिए बिना कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, थारी तो लग गई नाना। मधु वर्मा जी इस बार 100% जीतेंगे, मैं दावे से कह रहा हूं, 100%, 200% जीतेंगे। बस धीरे से कहना, थारी तो लग गई नाना। बस धीरे से कहना, थारी तो लग गई नाना। बस धीरे से कहना, थारी तो लग गई नाना। क्या बोलेंगे अब जीतू? थारी तो लग गई नाना, जोर से बोलिए जरा, थारी तो लग गई नाना, बोले भारत माता की। कुल मिलाकर बीजेपी इस बार राव के चुनाव को हल्के में लेने के मूड में नहीं है, और कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव लड़ने से कार्यकर्ता एकजुट नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर, राव।